हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, यही मालदीव से रिगार्डिंग थोड़ा सा इशू चल रहा है। इंडिया लुकिंग टू इंगेज विद द न्यू मालदीव्स गवर्नमेंट ऑन ऑल इश्यूज सेज एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, मुइजी मुइजी। तो देखते हैं क्या है। इंडिया लुक्स फॉर टू इंगेजिंग द न्यू मालदीव्स गवर्नमेंट ऑन ऑल इशूज, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड ऑन थर्सडे। Responding to the Maldivian President elected Mohammed Muizu's statement that Indian military personnel would be asked to leave the island। तो ये थोड़ा सा इशू इंडिया के लिए बन जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रेजेंस वहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे हमने कल बात की थी, इनका क्या अप्रोच है, ये थोड़े थोड़े क्या अच्छे खासे प्रो चाइना है। अब जब प्रो चाइना होंगे तो ऑब्वियसली इंडिया से तो थोड़ा सा बैर रहेगा इनको। ऑन वेंसडे इवनिंग इंडियन हाई कमिश्नर टू माले मुन्नू महावर मेट मिस्टर मुइजू एंड हैंडेड ओवर द लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज इलेक्टोरल विक्ट्री। ठीक है, ये हुआ है अभी तो। उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है, और हाई कमीशन इन माले को कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट एंड ही हैड अ गुड डिस्कशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बायलेटरल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग डेवलपमेंट कॉपरेशन, एमईए स्पोक्स पर्सन अरिंदम बगाची सेड। तो बगाची साहब देखिए, इन्होंने बोला है कि अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है। एमईए ऑफिशियल डिड नॉट कमेंट ऑन हु वुड बी सेंड टू रिप्रेजेंट न्यू दिल्ली एट मिस्टर मुइजू स्वेरिंग इन सेरेमनी। इन एन अनप्रेसिडेंटेड जेस्चर इन 2018 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अटेंडेड प्रेसिडेंस इबू सोली इन इनाग्रेशन सेरेमनी इन माले। तो 2018 में जब ये हुआ था तो मोदी साहब गए थे। ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन, तो इनका यही मोटो था जिसके बेसिस पे इन्होंने इलेक्शन जीता है। लास्ट सैटरडेज रन ऑफ इलेक्शन सॉ मिस्टर मुइजू द फॉर्मर मेयर ऑफ माले डिफीट इनकम्बेंट मालदीव्स प्रेसिडेंट मिस्टर सोली बाय 19,000 वोट्स और एन 8% मार्जिन। 19,000 उनका 8% है, आप ध्यान रखिएगा। द रिजल्ट हैव बीन वाइडली सेंट अप एज अपसेट फॉर इंडिया। देखिए, इंडिया के लिए अपसेट न्यूज़ है। डेट हैड क्लोज टाइज विद सोली एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इंडिया का वहाँ पे बैलेंस बना हुआ था सोली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। स्पीकिंग एट द पब्लिक पब्लिक रैली आफ्टर द इलेक्शन मिस्टर मुइजू हु स्टूड एट द कैंडिडेट फॉर द पीएनसी पीपीएम कोएलिशन डेट हैड कैंपेन्ड ऑन द इंडिया आउट प्लैंक हैड सेड दैट द सोवरेनिटी ऑफ द मालदीव्स वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इनको लग रहा है कि इनकी सोवरेनिटी को खतरा है इंडिया फोर्सेस के होने से। भाई, इंडिया का कल्चर ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है तो पाकिस्तान से क्या पूरा पाकिस्तान ले लिए होते। खैर, जिसका जैसी सोच, द पीपल हैव डिसाइडेड एंड डोंट वॉन्ट इंडियन टू स्टे इन द मालदीव्स, देयरफॉर फॉरेन सोल्जर्स कैन नॉट बी हेयर अगेंस्ट आवर सेंटिमेंट्स अगेंस्ट आर विल, द प्रेसिडेंट इलेक्ट वॉज कोटेड सेइंग दैट मालदीवियन न्यूज आउटलेट। तो इन्होंने साफ बोल दिया, हमारे सेंटिमेंट्स और हमारे सोवरेनिटी के साथ नहीं चाहिए हमें कोई खिलवाड़, यहाँ पे कोई फॉरेन ट्रूप्स नहीं होना चाहिए। सो आई हैव टू टेल द इंडियन एम्बेसडर हु इज गोइंग टू मीट दैट वी विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विद दिस वैल्यूज, ही एडेड। तो बोला कि ये वैल्यूज होंगे तो हमारे गुड रिलेशनशिप होंगे। मतलब अरे यार, मतलब क्या ही बोला जाए। देखो तो किसको ऐसे बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। वाइल इंडिया हैज हैड ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन फॉर मेनी इयर्स, नेवल एंड एयरफोर्स पर्सनल हैव बीन स्टेशन्ड ऑन अड्डू एंड लामू आइलैंड सिंस 2013 इन ऑर्डर टू मेंटेन द एंड ऑपरेट टू हेलीकॉप्टर्स एंड डोर्नियर एयरक्राफ्ट दैट इंडिया हैड लोन्ड द मालदीव्स फॉर रिकन्सेशंस ऑपरेशंस ओवर द पास्ट डेकेड्स। तो इंडिया यहाँ पे 2013 से अपना प्रेजेंस बना के रखा है। इन नवंबर 2021 द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स टोल्ड द पार्लियामेंट्री कमेटी दैट द टोटल 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल वर स्टेशन इन द मालदीव्स। ठीक है, इन फेबर 2021 द मालदीवियन अपोजिशन प्रोटेस्टेड एन एमओयू और ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑन मेरीटाइम सिक्योरिटी साइंड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विद द मालदीव्स डिफेंस मिनिस्टर इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ कोस्टल गार्ड हार्बर बेस्ड एट दी उथरुथिलाफुलु एटॉल। तो एटॉल आप देखिए, ज्योग्राफिकल टर्म हो जाता है आपका यहाँ पे।
ये आपका जहाँ पे रीफ्स पाए जाते हैं, ठीक है, कोस्टल रीफ्स, एटॉल वहाँ उसके आइलैंड के चारों तरफ होते हैं, उसी को एटॉल बोला जाता है। द कंस्ट्रक्शन वॉज इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग अ विजिट बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन दिस ईयर एंड दिस हैज बीन अ फोकस ऑफ पीपीएम्स इंडिया आउट प्रोटेस्ट। तो इनका शुरू से यही है, इंडिया आउट प्रोटेस्ट इनका चल रहा है। व्हाइल द एमईए स्पोक्स पर्सन डिड नॉट स्पेसिफिकली रिस्पॉन्डेड टू मिस्टर मोइजेस थ्रेट टू रिमूव इंडियन मिलिट्री पर्सनल, अ मूव दैट कुड ओवरटर्न एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडिया मालदीव स्ट्रेटेजिक टाइज इन पास्ट फ्यू ईयर्स, ही सेड दैट द टू कंट्रीज नीडेड टू कोऑपरेट क्लोजली। ठीक है, ये साफ इन्होंने अभी तो उसको, ये जो भी गंदगी बोल रहा है उसको हम लोग एड्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हमारी जरूरत है और हमें इसकी कहीं ना कहीं जरूरत है। इसको नहीं पता प्रो चाइना बन रहा है, चाइना अपने डेट ट्रैप में फंसा लेगा तो हो जाएगा, तुम उसके जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाओगे, पर ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। द फोकस ऑफ आवर पार्टनरशिप विद दी मालदीव्स हैज ऑलवेज बीन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस आवर शेयर्ड चैलेंज एंड प्रायोरिटीज, एज नेवर वुड वी नीड टू कोलेबरेट क्लोजली टू एड्रेस द चैलेंज कन्फ्रंटिंग आवर रीजन सच एज ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ, मिस्टर बगाची सर। तो देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले माले वर्सेस न्यू दिल्ली, ये क्या हो रहा है आज, मैं बस वर्सेस वर्सेस करवा रहा हूँ न्यू दिल्ली को, हर जगह, चाहे बाकू हो गया चाहे माले हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वर्सेस नहीं है, मैं बस एक कॉन्ट्रास्ट रखना चाह रहा था इसलिए वर्सेस लिख रहा हूँ। तो इनका एक पार्टी आया है जो बोल रहा है इंडिया आउट, कि इंडियन जो यहाँ पे पर्सनल है उनको, आर्मी पर्सनल है उनको हम यहाँ पे मालदीव्स में नहीं रहने देंगे, और इंडिया के लिए ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशन में हमें अपना प्रेजेंस बना के रखना है, और मालदीव्स हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर था अभी तक, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हमारा कोई इसके ऊपर ऑफिशियल बातचीत नहीं हुआ है, ये जो भी इन्होंने बोला है और हमारे हमारी जो भी बातचीत हुई है वो अनऑफिशियल है, ठीक है, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अब जरूरी थोड़ी है जीतने के लिए बोल देंगे सबको एक एक एप्पल का 15 प्रो मैक्स दे देंगे तो दे ही देंगे, तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो हो सकता है इनका क्या है, पर जहाँ तक पता है मुझे ये प्रो चाइना ग्रुप है, हो सकता है इंडिया के लिए आगे डिफिकल्टीज बढ़े मालदीव्स में और चाइना को वहाँ पे इजी एंट्रेंस मिले इस आदमी के वजह से, इसके पार्टी के वजह से इजी एंट्रेंस मिलेगी। ये बेवकूफ़ ये नहीं समझ रहे हैं कि ये इनको अभी हमारे इंडिया से लग रहा है, इनको इंडिया से क्या लग रहा है, डर, ठीक है, इनको इंडिया से डर लग रहा है, दे आर फियरफुल। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी सॉवरेनिटी को हमारे आर्मी ऑफिशियल से वहाँ पे थ्रेट है। अरे बेवकूफ़, जब तुम्हारे यहाँ पे चाइना आ जाएगा ना, तुमको लोन दे देकर, ठीक है, लोन दे देकर तुमको वो अपना गुलाम बना लेगा। क्या मना लेगा? गुलाम। सच बात बता रहा हूँ, चाइना का यही पॉलिसी है, सबसे पहले पैसा दो ढेर सारा, दूसरे बात नियो कॉलोनाइज करो, इस नियो कॉलोनाइज करो, ये चाइना का डेट ट्रैप होता है। ये हम लोग को यहाँ पे समझ आ रहा है, ये मालदीव्स के एक्सपर्ट्स किधर गए यार, थोड़ा चाइना के बारे में पढ़ो और इंडिया के बारे में पढ़ो। इंडिया की कभी ऐसी पॉलिसी नहीं है किसी को हार्म करने की, हम अपने टेरिटरी में भी किसी को हार्म नहीं कर रहे जो चाइना और पाकिस्तान के पास है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम अभी भी ऐसे मार के चाहे तो 2 मिनट में ले ले। आज मैं अभी बोल रहा हूँ, इंडियन आर्मी को अगर पता चल जाए उसको लेना है तो भाई सुबह तक पाकिस्तान भी हमारे पास होगा। तो इंडिया की ऐसी पॉलिसी नहीं है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।